नमस्कार दोस्तों, मैं लाल सिंह ठाकुर, आपका विकी फॉर दोस्त, हमारी यूट्यूब चैनल हिमालयन वीज में। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आपका। दोस्तों आज मैं आपको शुगर कैंडी बनाना सिखाऊंगा कि हमने मधुमक्खियों के लिए शुगर कैंडी जो है कैसे बनानी है। इसी के ऊपर मेरी वीडियो है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि कैसे हम शुगर पाउडर बना के उसमें शहद डाल के शुगर कैंडी जो है तैयार कर सकते हैं। ये मैंने मिक्सर लिया हुआ दोस्तों, ये बाउल में मैं शुगर ऐड कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको बंद करके इसका हम शुगर पाउडर तैयार करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने शुगर पाउडर जो है तैयार कर दिया है। ये शुगर पाउडर दोस्तों, इसमें हम अब हनी ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास जमा हुआ हनी है, जो मेरे पास मेलिफेरा का शहद है, इसको मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने शुगर और शहद जो है मिक्स कर रहा हूँ मैं इसको, शुगर पाउडर और हनी जो मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें मैंने दोस्तों 100 ग्राम शुगर पाउडर के हिसाब से और 300 ग्राम हनी के हिसाब से इसको कैंडी बनाना मैं तैयार कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो हम जब क्यून रेयरिंग करते हैं तो जो बहुत सारी क्यूने तैयार करते हैं, तो उसके लिए शुगर कैंडी जो नट्स हाइव होते हैं उसमें डाल के हम दे देते हैं और मधुमक्खियाँ आराम से इसको खा जाती हैं, और ये बहुत ही मधुमक्खियों के लिए बढ़िया रहता है इस तरीके का। और सबसे बड़ी खास बात दोस्तों, इसमें आप जब भी मधुमक्खियों के लिए बनाएं तो मधुमक्खियाँ जो है रॉबिंग भी नहीं होती, और काफ़ी मधुमक्खियाँ फीडर में डाल के देंगे तो काफ़ी टाइम के लिए ये इस मधुमक्खियों को इससे फीड मिल जाती है। जैसे ऑफ सीजन हो गया या फिर बरसात के दिन हो गए, जब भी आपको लगता है कि मधुमक्खी के पास खाने को कम है वही, तो आप ऐसी शुगर कैंडी बना के मधुमक्खियों को खिला सकते हैं। दोस्तों ये इस तरीके से हमने तैयार करके रख दिया है। अब कुछ टाइम के लिए इसको हम ठंडा होने के लिए, ऐसे जमने के लिए रख छोड़ेंगे। जब ये थोड़ी सख्त हो जाएगी तो तब मैं मधुमक्खियों को ले जाके इसको पीस पीस करके मधुमक्खियों के बक्से में आपको डालना भी सिखाऊंगा कि कैसे हमने ये शुगर कैंडी जो है मधुमक्खियों को देनी है। दोस्तों ये शुगर कैंडी आप देख सकते हैं तैयार हो गई है, और इसको अब मैं मधुमक्खियों को दे रहा हूँ। बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब। और ये मधुमक्खियों को कैसे देनी है, हाँ वाह, ये देखिए आपके पास फीडर है, ये देखिए दोस्तों, इसके ऐसे पेड़े भी बन सकते हैं। जैसे ये देखिए, जबरदस्त तरीके से ये कैंडी जो है तैयार हो गई है, ये देख सकते हैं आप। ऐसे आप फीडर के अंदर इसको डाल के ऐसे रख सकते हैं, मधुमक्खियों को जैसे ही पता चलेगा ये आराम से इसको खाना शुरू कर देगी। ये दोस्तों इस तरीके से मैंने ये पेड़ा बना दिया है, आप देख सकते हैं ये वही बक्सा है जो डिवीज़न किया था हमने। इसको भी दे देते हैं क्योंकि डिवीज़न के बाद इसको फीडिंग की सख्त ज़रूरत है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई है दोस्तों, वैसे मैंने पहले भी एक बार इसमें डाल के रख दिया है, आप देख सकते हैं।
मधुमक्खियां इसको कितने प्यार से चूस रही हैं। ऐसे डाल के इसको छोड़ देना, ये अपने आप फीडर में नीचे चली जाती है और मधुमक्खियां इसको आराम से फिर यूज़ करना शुरू कर देती है। और ये दोस्तों दूसरा बक्सा जिसमें हमने क्यूनें बनाई हैं, इसको भी दे देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने कुछ शुगर कैंडी डाल के रखी थी पहले ही, और मधुमक्खियाँ जो है एक हफ्ते से इसको उठाने की कोशिश कर रही है और ले जा रही हैं। तो आज इसको थोड़ा सा शुगर कैंडी और भी दे देता हूँ ताकि मधुमक्खियों को जो स्ट्रेस पड़ा था वो ख़त्म हो जाएगा। क्यून बनने में 16 दिन लग गए थे दोस्तों, मीटिंग के साथ 20 दिन, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और ये देखिए इस तरीके से दोस्तों, ये देखिए अपने आप नीचे जा रही है और मधुमक्खियां आराम से इसको उठाना शुरू कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं कितने आराम से इन्होंने इसको उठाना शुरू कर दिया है। पैक कर देते हैं, जल्दी जल्दी दे देते हैं दूसरे बक्से को भी। ये दोस्तों देख सकते हैं कैसे बर्फ़ी की तरह हमारी शुगर कैंडी जो है तैयार है। आप इसको ऐसे फीडर में डाल दें और मधुमक्खियां देखना आप थोड़ी देर में। ये देखिए दोस्तों 5 मिनट के अंदर सारी मधुमक्खियां इस फीडर के अंदर आ गई हैं, बहुत ही चाव से इस फीडिंग को उठा रही है। दिन दिहाड़े मैंने ये फीडिंग कराई है और मधुमक्खियां जो है आपस में कोई भी रोविंग या किसी भी तरह की कोई परेशानी मधुमक्खियों में नहीं है। तो आप भी घर में ऐसे शुगर कैंडी बना सकते हैं। और मधुमक्खियों से ये थी मेरी कि आपने शुगर कैंडी कैसे बनानी है और कैसे मधुमक्खियों को उसको देना है, इसी के ऊपर ये मेरी वीडियो थी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए मधुमक्खी से संबंधित ऐसी और भी वीडियो बनाते रहें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।